के बारे में, मैं उससे ही आपको बता रहा हूँ और जो मैंने वॉक्स मतलब जो मैंने अभी विजिट्स किए हैं इस एरिया के, उसके हिसाब से ही मैं आपको चीज़ें बताऊँगा एंड टू माई बेस्ट कैपेबिलिटी इट विल बी करेक्ट. ठीक है, दे माइट बी रॉन्ग एंड इट इज़ ऑल्सो ओपन टू माई इंटरप्रिटेशन इन योर इंटरप्रिटेशन. तो वेलकम यू अगेन. तो अभी हम जो खड़े हैं, दिस इज सरखेज रोज़ा कॉम्प्लेक्स. अगेन it is not just one structure that you can see, it is a combination of lot of structures coming together with the lake as the central part. theek hai, to agar main aur history mein lekar jaun aapko, to ye ek gaon tha pehle jiska naam tha Sarkhej. Sarkhej se milta julta ek shabd urdu mein aata hai, iska naam hai Sarkhej. Sarkhej ka matlab hota hai something which is fertile, something which is very very productive. और सरखेज जो गांव है उसकी हिस्ट्री ये थी कि यहाँ पे पहले जो बुनकर होते थे, वीवर्स होते थे और जो इंडिगो डायर्स होते थे, जो इंडिगो डाई करते थे, वो उन लोगों का ये एक छोटा सा गांव था. और अहमदाबाद की हिस्ट्री में ये है कि अहमदाबाद बसाया गया 1411 के आसपास अहमद शाह के द्वारा. तो अहमद शाह के द्वारा ये बसाया गया और हम जिनकी बात करें, जो रोज़ा जिसके लिए फेमस है, वो है अहमद गंज बख्श अहमद खट्टू. तो वो एक दरवेश थे, वो एक सूफी सेंट थे जो दिल्ली में पैदा हुए थे और वो एक तुगलक डिनेस्टी वाले उस एरा में पैदा हुए थे. तो जब ये हुआ और उसके बाद एक वहाँ पे एक मुझे जो पढ़ाई में आया कि वहाँ पे एक बवंडर आया और बहुत बड़ा डस्ट स्टॉर्म आया, उसके बाद वो अपने घर से बिछड़ गए थे और उसके बाद उनको या तो एक कोई कारवा निकल रहा था जो उन्हें खट्टू नाम की एक जगह जो नागौर राजस्थान जोधपुर के पास में है वहाँ लेके गया, जिसमें जिससे उनका नाम अहमद खट्टू जाना जाता है. और वहाँ पर दो वेरिएशन है इस थ्योरी के, कि या तो कोई कारवा उनको लेकर गया और या फिर कि कोई एक कपल था जिन्होंने उनको अडॉप्ट कर लिया था जो खट्टू से थे. तो उसमें से जो एक ये आता है कि जो वो एक बच्चा सूफीज़म में कैसे आ गया या इस तरफ कैसे मुतालिब हो गया, तो ये उसका ये है कि सैयद सैयद इशाक साहब हु वाज अ सूफी सेंट ऑफ द मगरबी ऑर्डर. अब क्या है कि जो हम अजमेर में देखते हैं या जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन है, ही बिलोंग्स टू अ डिफरेंट ऑर्डर. हम जो बात कर रहे हैं, दैट्स अ मगरबी ऑर्डर. मगरब हियर, मगरब और मशरक उर्दू में या फारसी में या अरबी में ईस्ट और वेस्ट को कहते हैं. मगरब इज़ क्या होगा, वेस्ट. तो अफ्रीका का एक रीजन है, नॉर्दर्न रीजन, जिसको मगरब कहा जाता है अभी भी. तो जिसमें ये ऊपर की कंट्रीज़ जो आती हैं, उसमें लीबिया और काफ़ी सारी अदर कंट्रीज़ हैं. तो वहाँ पर जो ये सूफिज़म डेवलप हुआ, दैट इज़ कॉल्ड सूफिज़म ऑफ द मगरबी ऑर्डर. सो जो इशाक साहब थे, जो बाबा इशाक साहब थे, ही वॉज द हेड ऑफ इंडिया ऑफ द मगरबी ऑर्डर. ओके, सो अंडर हिज क्या कहें, उनकी छत्र छाया में अहमद गंजबख्श खट्टू पले बड़े और ही इन्वेस्टेड हिम इन दिस ऑर्डर. एंड हैंस फिर जब उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता चला और ये सब हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि अब शायद अब मुझे इट्स टाइम फॉर मी टू गो टू मक्का एंड मदीना एंड डू द हज और ज़्यादा जानने के बारे में. तो फिर जब वो वहाँ से आए, वहाँ से लौट के आए, तब जाके ही वॉज़ ट्रैवलिंग ऑल ओवर एंड ही वॉज़ रिक्वेस्टेड बाई अहमद शाह टू स्टे हियर एंड बी हिज एक तरह से सलाहकार, एक तरह से गुरु, जो मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ. तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं रुक तो जाऊँगा, लेकिन मैं जो तुम्हारे अहमदाबाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वहाँ पे इतनी बिजी जगह पे और ये फोर्ट वॉल और ये सब मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है. मुझे काफ़ी दूर एक जगह है सरखेज, मैंने देख ली है, वहाँ पे छोटा सा गांव है, कम लोग रहते हैं, मेरे लिए काफ़ी है. तो वो यहाँ आके बस गए थे. इनकी छोटी सी खानकाह थी, खानकाह एक बेसिकली छोटा सा रूम, तो वो उसमें रहने लग गए थे और आपसी जो लोग थे वो उनसे बहुत मुतासर हुए, उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुए और इस तरह से ही बिकेम फेमस एंड मोर फेमस. तो ये सब इसकी हिस्ट्री है. अभी हम जिसके पास खड़े हैं, ये कहलाता है रानी का महल और द क्वींस पैलेस. सो क्या हुआ कि अहमद शाह खट्टू तो आ गए थे एंड
अहमद शाह ने तो उनको उनको रोक लिया था, बट देन अहमद शाह पास्ड अवे इन 1445 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो उसके बाद ही स्टार्टेड लिविंग हियर एंड इवन अहमद खट्टू पास्ड अवे इन द रीसेंट ईयर्स आफ्टर दैट. सो हिज खानका वॉज टर्न इन टू अ टूम, वॉज टर्न इन टू अ मोजोलियम बाई द सन ऑफ अहमद शाह, सो बाय मोहम्मद शाह. So again, he built the Roza where we were standing in front of which, and there's a Jama Mosque inside. Those who have been inside, those who haven't been will be going. तो ये हुआ. फिर उसके बाद एक छोटा सा लेक आसपास बना लिया गया था. उसके बाद और भी उनके जो सक्सेसर्स हैं उन्होंने इस टेरिटरी को और डिफाइन किया, इसको और एक ज्योमेट्री दी, इसको एक ऑलमोस्ट स्क्वायरिश एक टैंक बनाया. तो ये इसका हिस्ट्री है. और जो महमूद बेगड़ा, अब यहाँ पे आप पूछेंगे बेगड़ा क्या होता है, बेगड़ा मुझे पता चला है गुजराती में दो को शायद बे कहते हैं. तो जब उन्होंने कोई दो रियासत थी जिसमें से एक जूनागढ़ थी और दूसरी मुझे पता नहीं, बेगड़ा वहाँ से आया. जब उन्होंने वो दो रियासतों पर फतेह की तो वहाँ से उनके पास ये टाइटल लग गया महमूद बेगड़ा. तो महमूद बेगड़ा ने ही बनवाए हैं ये जहाँ हम खड़े हैं, क्वींस पैलेस या जो रानी का महल, और वो किंग्स पैलेस या जो राजा का महल. तो क्वींस पैलेस की खासियत ये है कि ये बहुत लीनियर है, ये स्टोन से बना हुआ है, आपको दिख रहा है, और इसमें बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग है. इसके बगल में एक तालाब है छोटा सा, अगर आपको दिख रहा है वहाँ पे, थोड़ा सा झुक के देखना पड़ेगा, ज़्यादा मत झुकिएगा. और वहाँ पे तीन ऐसे घोड़े दिख रहे होंगे. दिस इज द इनलेट ऑफ दिस लेक ऑफ दिस टैंक. मुगलों ने जो इस पर फतेह की थी वो आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स की थी, दे कुड नॉट डू इट एट वंस. तो ये जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोविंशियल आर्किटेक्चर या जो प्रोविंशियल किंगडम्स थी वो बहुत ज़्यादा अपने वो खुद में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी. इवन ऐसा नहीं था कि अगर तुम भी मुसलमान मैं मुसलमान मैं भाई भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था. तो इवन दे हैड देयर ओन किंगडम्स एंड दे फेल्ट प्राउड ऑफ इट एंड दे वुड नॉट वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट और बी अंडर एनी अदर वन. तो अकबर जब आए थे या उनके जो कैरवन आया था उनके साथ में एक ईरानियन पोइट थे गजाली मशहदी. तो बिलीव किया जाता है कि ये उनकी है, वो उनकी यहाँ पर आने के बाद तबीयत ख़राब हो गई और उनको यहीं के यहीं पास में जो है दफनाया गया. तो ये उनकी कब्र हो सकती हैं. दिस अगेन नॉट वेरी वेरी स्पेसिफिक कि यही हैं. वी कैन सी द एवोल्यूशन ऑफ आर्च मेकिंग इन इंडिया, कि वो कैसे कैसे पहले शुरू में कॉबल आर्च हुआ करती है. कॉबल आर्च के बारे में एग्जाम्पल दूंगा अगर मुझे कहीं दिखेगी तो. इट इज़ जस्ट ब्रिक्स कमिंग टुगेदर और वो थोड़े कम होती जाती है. ये मंदिरों में बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा क्योंकि दैट इज एन अर्लियर फॉर्म आर्किटेक्चर. तो ये उसका एक डेवलप्ड वर्जन है, नॉट एग्जैक्टली वेरी डेवलप, बट जस्ट अ स्टेप वन फ्रॉम देयर. तो दिस इज इन द मेकिंग ऑफ अ ट्रू आर्च. तो इसमें क्या होता है कि ऊपर से जो आपके जो सबसे ऊपर जो आप दो या तीन देख रहे हैं जिसमें एक हल्का सा ऐसे बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड द कीस्टोन. उसके ऊपर सारा लोड जो है वो रखा रहता है. वो लोड वही कीस्टोन बाकी सारे स्टोन को साथ में रखता है और उसका जो लोड है वो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करता है. जो मुझे रेजिडेंशियल होने की सबूत देती है कि इसमें एक छोटी सी मस्जिद है. अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक मेहराब सी आपको दिखेगी. देयर इज अ डिप्रेशन इन द वॉल जहाँ पे पेश इमाम खड़े होते हैं एंड देन ही रिसाइट्स एंड बाकी लोग उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, वो उसके पीछे खड़े होते हैं. तो अगेन ये भी अगेन आप एक ट्रेडिशनल कस्टम देखेंगे जो भी उनका, जैसे अभी भी होता है कि हम जब भी आर्किटेक्चर घर डिज़ाइन करवाते हैं हमें पूजा रूम ज़रूर चाहिए ईशान कोण में, राइट वास्तुशास्त्र और ये सब. तो उस तरह से ये भी वही वास्तुशास्त्र, मतलब वास्तुशास्त्र नॉट एग्जैक्टली पर उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए कि इबादत जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उनको इतना सब कुछ मिला हुआ था, उसको रिटेन करने के लिए दे वुड ऑलवेज प्रे टू देयर गॉड. तो ये उनके एक प्राइवेट कॉम्प्लेक्स का ही हिस्सा थी. तो ये बहुत ही छोटी सी है, ज़्यादा सफ जिसे हम कहते हैं रोज़ ज़्यादा सफ नहीं बन सकती. तो ये बहुत ही प्राइवेट सी मस्जिद या एक कोना होगा इस पूरे कॉम्प्लेक्स का. जो आपको सबसे बड़ा डोम दिख रहा है यहाँ से, दैट इज द डोम ऑफ द मेन टूम ऑफ सरखेज ऑफ द गणबख्श अहमद खट्टू. और उसके सामने जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं जो तालाब की तरफ आ रही हैं, उनके दोनों तरफ दो चेम्बर्स हैं, एक बड़ी डोम और बहुत सारी छोटी डोम्स के. ऑन द राइट हैंड साइड इज द टूम ऑफ द मेल रूलर्स और उनके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो थोड़ी सी काली पड़ गई हैं डोम्स,
वो दीज आर ऑफ द फीमेल रूलर्स. ठीक है, तो एंड इट इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द टूम ऑफ द सेंट. सो अगेन दैट कनेक्शन ऑफ जस्ट बीइंग इन फ्रंट ऑफ हिम, दैट इज देयर. और जो पीछे हम देख रहे हैं, जो पीछे की दो बड़ी डोम्स हैं, जो तीन हमें झरोखे दिख रहे हैं, तीन खिड़कियाँ दिख रही हैं, वो जामा मस्जिद है. अगेन दिस इज वेस्ट. तो अगेन यू कैन रिलेट टू काबा और इस तरह से उसकी जो है पोजिशनिंग है. हबाश एक जगह है अफ्रीका में जो कि इथियोपिया और उसके रीजन को कवर करता है. तो अक्सर ये होता था कि जो पोर्चुगीज थे वो वहाँ से स्लेव्स लाते थे, और जो वो स्लेव्स लाते थे वो उनको क्या कहते हैं उसको तोहफे में भी दिया करते थे. किस किसने पद्मावत देखी है? हु रिमेम्बर्स मालिक कफूर? सो अगेन दैट ट्रेडिशन कमिंग इनटू प्ले हियर कि उन स्लेव्स को दिया जाता था. पर जो ये जो अफ्रीकन स्लेव्स होते थे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा अकलमंद और इस तरह से रहते थे. तो क्या हुआ कि ओवर द टाइम वो आए तो स्लेव्स की तरह थे, पर देन दे गेन्ड अप्रिसिएशन फ्रॉम देयर रूलर्स एंड दे इवेंचुअली हैपन टू बी गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इन गुजरात स्पेशली. तो ये जो कुछ टूम्स आपको देखेंगे, तीन मेनली हैं, बाकी और उसके आसपास हैं. तो वो दीज आर द टूम्स ऑफ दीज हबशी नोबलमैन जो उनके जो गवर्नर थे उनके साथ. एक यहाँ पे भी है और एक उधर जो मेन कब्रिस्तान सरकेज का उसके अंदर भी है. इनके कुछ नाम मुझे जो पढ़ने में आए हैं वो याकूत खान हैं और उगल खान हैं और एक आध कोई और ऐसा नाम है. तो ये है इसकी हिस्ट्री. टूम ये भी है जो उन्हीं के लिए है, उन्हीं के ट्राइब के लोग जो हैं वो यहाँ पे हैं. ये जो आप सामने मेरे देख रहे हैं ये है मेन टूम जो अहमद गनबख्श अहमद खट्टू की है. बहुत ही ख़राब सी टूम देख रहे हैं. मैं ख़राब इसलिए कह रहा हूँ कि वो अभी ठीक नहीं है. इसलिए ये असफ खान रिजवानी जो है ये अकबर के एक गवर्नर थे जिन्होंने अकबर की बहुत मदद की थी गुजरात और इस एरिया को फतेह करने के लिए. तो वो यहाँ के गवर्नर थे और उनके बाद वफात उनको यहाँ दफनाया गया. ये उनका टूम है. तो दैट इज़ वन थिंग. और ये जो है ये मेन टूम है. इस तरफ जो मेरे आप देख रहे हैं ये है जो मेल रूलर्स थे उनके, नॉट अहमद शाह, आफ्टर हिम महमूद शाह जो थे, मुजफ्फर शाह. तो वो लोग यहाँ पे हैं. तीन मेन कब्रें. आप जाली वर्क देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. इसका एक रीज़न ये भी है कि ये एक गर्मी का इलाका था पहले से और अभी भी है. तो जो जालियाँ हैं इसमें एक फनल इफेक्ट होता है. हम आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं एक फनल इफेक्ट होता है कि जब भी हवा बहुत तेज़ी से उस तरफ से आती है तो अपनी गर्मी बाहर छोड़ के सिर्फ ठंडी हवा अंदर आती है. तो इसका एक बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं. अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको हवा गर्म लगेगी और आप ऐसे करेंगे तो आपको हवा ठंडी लगेगी. तो यही जो है रीज़न है. यहाँ पे बहुत सारी जालियाँ हैं. अब जाली जो है अगेन बहुत अलग अलग शेप्स में है. ये ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन रूलर्स हियर. उसके अलावा मैं नहीं समझता कुछ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है सिवाय डोम्स के. तो हर एक चीज़ को एक ज्योमेट्री में बिठाना ये उनका एक एक्सपर्टाइज था. वो फसाड में हो, वो फ्लोर में हो, वो रूफ़ पे हो, वो कहीं भी हो सकता है. तो हर चीज़ को एक फिक्स ज्योमेट्री, एक सीधा, एक कुनिया में लेकर आना है. इसको हिंदी में कुनिया कहते हैं, 90 degrees. तो ये एक उनका इन्फ्लुएंस था इसमें. द कॉलम्स आर नॉट बिकॉज के मतलब हमें बहुत सबसे ज़्यादा कॉलम्स बनाने हैं. इट इज़ बिकॉज कि हमें एक लार्जर एरिया बनाना है, हमें एक लार्जर एरिया को कवर करना है. और उस वक्त RCC नहीं था, उस वक्त टेंसाइल स्ट्रक्चर्स नहीं थे, उस वक्त लोहे की बीम्स नहीं थी. उस वक्त जो कुछ भी करना था वो स्टोन्स और लाइम मोर्टार और इन सब में करना था. तो अगर उन्हें ज़्यादा एरिया लेना है तो उन्हें ज़्यादा कॉलम्स देने पड़ेंगे. हो सकता है कि जैसे हम बाद में देखते हैं जामा मस्जिदें जो हैं आगरा की या दिल्ली की या और मुग़ल एरा की हम देखते हैं, उसमें आर्चेज़ आ गई हैं तो आपको ज़्यादा एरिया मिल जाता है, उसमें ज़्यादा लोग खड़े हो सकते हैं चार कॉलम्स के बीच. इसमें शायद ऐसा नहीं है. जामा मस्जिद में ऐसा है कि एक सफ़ है फिर उसके बाद एक कॉलम है, फिर एक सफ़ है फिर एक कॉलम है, इस तरह का है. तो इसलिए यहाँ पर जो है दिस इज़ बिकॉज ऑफ अगेन मोस्ट ऑफ द प्रोविंशियल स्टाइल्स, जिसे इसको हम प्रोविंशियल स्टाइल कहेंगे. ये गुजरात प्रोविंस की एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है. ऐसे हैदराबाद की अलग है जो जो चार मीनार है, ऐसे गोल गुंबद है वो अलग है, ऐसे ही जो जौनपुर एक इलाका है वहाँ की जो मस्जिदें हैं वो अलग हैं.
all these are because of local materials available there, जो वहाँ पे आसपास में सबसे करीब में पाया जाता था उसके हिसाब से, और जो भी उनके पास टेक्निक थी उसके हिसाब से द मटीरियल्स शेप्ड द बिल्डिंग्स. तो ऐसा नहीं था कि ये डिज़ाइन है इसमें इतना बाहर निकलना चाहिए और इतना अंदर जाना चाहिए, ये वो है. इट हैज़ टू बी ब्यूटिफुल इन द इन द सेंस दैट वट इज़ वट एवर इज़ अवेलेबल इज़ टू बी. दैट इज़ वाई आर्किटेक्चर में कई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो है वर्नैक्युलर आर्किटेक्चर को दिया जाता है. वी आर लॉट ऑफ आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हियर, कि हम समझें कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं, या जाली क्यों दी गई है, ये ओपन कोर्टयार्ड में साइड में वॉकवेज क्यों दिए गए हैं, या इस तरह से कॉलम्स क्यों हैं इतने सारे. तो इन सब का एक रीज़न है जिस पे शायद एक गालिब का शेर है, बेखुदी बेसब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है. कि हर चीज़ का एक रीज़न है, हर चीज़ का एक रीज़न है. आप जस्ट नॉट टेक इट फॉर द फेस वैल्यू, यू हैव टू गो बियॉन्ड इट, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट व्हाई इज इट सो. फाइन, ओके, थैंक यू वेरी मच.